ताजनगरी आगरा में क्राइम की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई थाना क्षेत्र नहीं है जहां पर चोरी, लूट, डकैती और चेन स्नेचिंग की घटनाएं ना हो रही हो। ताजा मामला थाना शागंज क्षेत्र का है, जब एक महिला स्कूल से अपने बच्चे को घर लेकर लौट रही थी। बाइक सवार चेन स्नेचरों द्वारा महिला की चेन तोड़कर फरार हो गए। थाना शागंज क्षेत्र में चेन स्नेचिंग को मिलाकर 24 घंटे के अंदर ये तीसरा मामला है। आगरा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तेज सर्रार पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी के कार्यभार संभालने के बावजूद और चुस्त पुलिसिंग पर जोर देने के बावजूद क्राइम पर कोई रोकथाम होती दिखाई नहीं दे रही है। थाना ताजगंज क्षेत्र में शहीद फौजी के घर को चोर निशाना बनाते हैं और 26 लाख की चोरी को अंजाम देते हैं, जिसके बाद थाना शागंज क्षेत्र में 24 घंटे के अंतराल में चेन स्नेचिंग की बड़ी घटना को अपराधी अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे हैं। हम आपको बताते चले कि अपने बच्चे को स्कूल से घर ला रही महिला की 3 तोले की चेन तोड़कर अपराधी फरार हो गए और पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखकर अपने कर्तव्यों की इच्छरी करती नजर आ रही है। नवागत पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने जब कार्यभार संभाला था तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि आगरा में अपराध का ग्राफ नीचे होगा, पर तेज तर्रार कप्तान की तेज तर्रार कार्यशैली के बावजूद भी ताज नगरी आगरा में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। हम आपको बता दें कि ताजगंज में सैनिक के घर चोरी, जयपुर हाउस में चोरी, जिसके बाद शागंज में 24 घंटे में 3 चेन स्नेचिंग की वारदात, दीवानी में गैंगस्टर विनोद श्रोतिया फरार, कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े 40 लाख की लूट और कई ऐसे मामले हैं जो नवागत पुलिस कप्तान की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। फिलहाल मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में क्राइम के गढ़ बने हुए हैं, जिसमें शागंज, लोहा मंडी, एतमदौला, ताजगंज और सदर मुख्य रूप से शामिल है। तो घटना कहाँ पे हुई है? घटना बिल्कुल गली के मोड़ पे हुई है, होली लाइट का जो मोड़ है इसी पे। क्या हुआ? मैं जब आ रही थी तो वो पीछे से आया, उसने चेन तोड़ी और मैं उसके पीछे गई तो वो बाइक लेके भाग गया। उसने बाइक थोड़ी दूरी पे खड़ी कर रखी हुई थी, उससे भाग गया। कितने ग्राम की चेन थी? 3 तोले की चेन थी। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी, उसके बारे में कॉल कर दिया था। डीजी मानादा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।